सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ दी ग्रेटेस्ट शोमैन मूवी के स्पॉइलर रिव्यू के बारे में। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रिव्यू काफी लेट है, ये बात मुझे पता है। खैर जो भी हो, मैंने इस फिल्म को फाइनली देख लिया है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि असल में ये फिल्म कैसी है। लेकिन ये फिल्म सभी के लिए नहीं बनाई गई, ये फिल्म सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें म्यूजिकल फिल्में पसंद है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, लेस मिजरेबल्स, पैन, माउलिन रोग, फैंटम ऑफ द ओपेरा, कैसीनो और लेजेंड मूवी द साउंड ऑफ म्यूजिक। तो ये फिल्म पूरी सॉन्ग पर ही है, जैसे कि इस फिल्म में आधे से ज्यादा डायलॉग्स गाने में कन्वर्ट किए गए हैं। तो आप इस फिल्म को ये सोचकर मत जाओ कि ये ह्यूग जैकमैन की फिल्म है तो इसमें आपको कुछ अलग देखने मिलेगा। वेल, इसमें अलग कुछ नहीं है, ये एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड फिल्म है जिसे मेरे हिसाब से तो काफी खूबसूरती से पेश किया गया है। वेल, बात करें इस फिल्म की स्टोरी की, तो इस फिल्म की स्टोरी पीटी बार्नम की है। वेल, अब पीटी बार्नम कौन है, तो मैं आपको ये बता दूं कि पीटी बार्नम वही है जिसने सर्कस का इन्वेंट किया था। और इस फिल्म की स्टोरी को पीटी बर्मन की बुक से ही इंस्पायर किया गया है, जिस बुक का नाम है द लाइफ ऑफ पीटी बर्नम। तो ये एक सिंपल सी स्टोरी है जिसमें हमें ये बताया जाता है कि पीटी बर्नम ने कितने स्ट्रगल के बाद एक बेस्ट सर्कस बनाया था। और आप जब इस फिल्म को देखोगे तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये इस फिल्म के डायरेक्टर की पहली फिल्म है। जी हाँ, ये इस फिल्म के डायरेक्टर की पहली फिल्म है, लेकिन फिल्म के डायरेक्शन को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि इस फिल्म के डायरेक्टर माइकल ग्रेसी ने इस फिल्म को पहली बार बनाया है, क्योंकि उनका इस फिल्म को लेकर डायरेक्शन काफी परफेक्ट है, ऐसा मेरा मानना है। और बात करें इस फिल्म की दूसरी कास्टिंग की, तो इस फिल्म में काफी बड़े एक्टर्स है, जैसे कि एक है जैक एफ्रॉन, दूसरी जेंडिया, मिचेल विलियम और रिबेका। और हमारे फिल्म के एक्टर ह्यूग जैकमैन को ऐसे रोल करना ही पसंद है, क्योंकि वो फिल्मों में एक्टिंग करने से पहले स्टेज पर परफॉर्म करते थे और अभी भी वो स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो अब वुल्वरिन के रोल में फिर से वापस आएंगे। और बात करें इस फिल्म के बजट की, तो इस फिल्म का बजट है 84 मिलियन और अब तक इस फिल्म ने 83 मिलियन कमाए हैं। तो कहीं ना कहीं इस फिल्म का बजट कवर जरूर हो जाएगा। और मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, ये फिल्म सभी लोगों के लिए नहीं है, खास करके उन लोगों के लिए जिन्हें हॉलीवुड की मूवीज में गाने नहीं पसंद, तो ये फिल्म उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और जो म्यूजिकल फिल्मों के फैन हैं, ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है। और जो लोग ह्यूग जैकमैन के डाई हार्ट फैन है वुल्वरिन को लेकर, तो वो लोग इस फिल्म को देखने बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि आपको इस फिल्म में ह्यूग जैकमैन काफी डिसअपॉइंट करेंगे। और बात करें इस फिल्म की, तो मेरे हिसाब से ये एक ठीक ठाक फिल्म है जिसे आप एक टाइम देखकर एंजॉय कर सकते हो। तो जाते जाते एक बात और बता दूं, मैंने आज एक ही वीडियो डाले, लेकिन मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये फिल्म देखने गया था जिसके चलते मुझे काफी लेट हो गया रिटर्न आने में। तो मैं फटाफट से पूरी बाकी की न्यूज कवर करता हूं, देखता हूं कितनी न्यूज आई है और आपको आज ही उन सभी न्यूज के अपडेट देता हूं। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में बस कुछ ही घंटों में, और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। अगर आप नहीं होते तो मैं आज यहां पर नहीं होता। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस चैनल पर नए साल से रोज एक जूनी फिल्मों का रिव्यू करूं, तो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं, जिससे कि मैं आपको रोज एक फिल्मों का रिव्यू जरूर दूंगा। और आपको उन फिल्मों के रिव्यू स्पॉइलर चाहिए या फिर स्पॉइलर फ्री, मुझे कमेंट कर वो भी बताइएगा। वेल, तो बस आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। टिल देन, बाय।